The question given is to find the value of integration of dx upon a plus b tan x. ठीक है, हम इसको sec स्क्वेयर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. तो हमें पता है sec स्क्वेयर x जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वेयर x के इक्वल. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर x dx होल अपॉन a प्लस b tan x इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर ऑफ x. अब हम tan x को अगर रखते हैं t, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि sec स्क्वेयर x dx, ये dt हो जाएगा दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पे. दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन a प्लस बी टी, ठीक है, इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल फैक्टर्स. हम इसको पार्शियल फैक्टर्स में करेंगे ब्रेक. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, 1 अपॉन a प्लस बी टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर. तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन a प्लस बी टी प्लस b अपॉन बी टी प्लस c अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a प्लस टी स्क्वेयर प्लस, ठीक है, a प्लस a टाइम्स ऑफ टी स्क्वेयर प्लस b a t प्लस b b t स्क्वेयर प्लस c a प्लस c b t होल अपॉन a प्लस b t इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर. और ये है 1 अपॉन a प्लस b t इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर के इक्वल. दैट मीन्स ये हो जाएगा टी स्क्वेयर इंटू, टी स्क्वेयर है, अब इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी, ठीक है, प्लस टी है तो ये हो जाएगा बी ए प्लस सी बी प्लस ए प्लस सी ए, ये होगा 1 के इक्वल. अब यहाँ से कंपेयर करते तो हमारे पास आएगा a प्लस बी इंटू बी ए 0 के इक्वल है, बी ए प्लस सी बी ये 0 के इक्वल है और a प्लस सी ए जो है वो है 1 के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं a की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई माइनस बी इंटू बी के इक्वल. तो यहाँ पे देखते हैं c इंटू ए माइनस ऑफ b इंटू बी इज इक्वल टू 1. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं b से, तो हमारे पास आएगा c इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी ए इंटू बी इज इक्वल टू 0. और ये हमारे पास आएगा सी ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए. दैट मीन्स सी की वैल्यू हो गई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल. ये हमारा सी आ गया. तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो सी ए माइनस बी इंटू बी ए 1 के इक्वल था. दैट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू बी इंटू बी. दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी. तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी. तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये बी की वैल्यू हो गई. और अगर हम ए की वैल्यू देखें ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आ गया माइनस ऑफ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल था डी टी अपॉन ए प्लस बी टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए अपॉन ए प्लस बी टी इंटू डी टी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन ए 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी इसके इक्वल. तो ए की वैल्यू अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल डी टी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी प्लस बी टी की वैल्यू रखते हैं तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस सी की वैल्यू ए तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी. तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल डी टी अपॉन ए प्लस बी टी प्लस यहाँ पे अगर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बी टी माइनस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल डी टी अपॉन या फिर बी इधर और यहाँ पे बी डी टी. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी टी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटीग्रल यहाँ पे बी ले लेते हैं तो टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस
ये हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन प्लस टी स्क्वायर को ले लेते हैं u, तो टू टी डी टी जो है वो टू यू के इक्वल हो, डी यू के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स टी डी टी जो है वो हो गया वन बाई टू डी यू के इक्वल। यहाँ पे अगर हम a प्लस बी टी को ले लेते हैं v, तो b डी टी जो है वो हमारा डी वी के इक्वल हो गया, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी माइनस b अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन यू प्लस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन ऑफ मॉड v माइनस b अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन ऑफ मॉड u प्लस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ t प्लस c, वे c इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर इसको b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 2b अपॉन 2 एल एन ऑफ a प्लस बी टी माइनस b अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन ऑफ यहाँ पे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ t प्लस c। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लें कॉमन, तो 2b एल एन ऑफ a प्लस बी टी हमारा कितना था, t हमने लिया था tan ऑफ x को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा b tan ऑफ x माइनस b टाइम्स ऑफ, या फिर हम इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b भी हमने कॉमन ले लिया होगा इधर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ln ऑफ a प्लस बी टी बी टैन ऑफ x माइनस ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस c। तो ये हो जाएगा b अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ a प्लस b ऑफ tan x माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस c। दैट इज ये हो जाएगा b अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एल एन है, ए प्लस बी टैन ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स हो जाएगा, अब टू से टू डिवाइड कर लेता है तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन ऑफ ए प्लस बी टैन एक्स माइनस एल एन ऑफ सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। दैट इज बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस एल एन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए एक्स भी इधर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता तो बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स होल अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर हम 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बी एल एन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल।